इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आखिर क्यों खाली रह गए पटवारी के पद। करीब 3 लाख लोगों ने आवेदन किया था, क्या उसमें से 1195 भी एलिजिबल लोग नहीं मिल पाए, सारी बात करेंगे इसमें अथॉन्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। सबसे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ जो रिक्त पद यहाँ पर देखिए थे और कितने अभ्यर्थी यहाँ पे पास हुए। यदि हम लोग बात करें बिलासपुर की, रिक्त पद 31 थे, 29 हुए। चंबा में 68 में से 68 सीटें खाली रहेगी। यहाँ पे देखिए हमीरपुर में 3, और सबसे ज़्यादा देखिए कांगड़ा में 198 लोग ही क्वालिफाई कर पाए आउट ऑफ 220 सीट्स इनको दी गई थी। किन्नौर जिला में पूरा साफ हो चुका है 19 में से 19। कुल्लू की बात करें तो 42 पोस्टें थी, 35 ही फिलअप हो पाई थी। मंडी की बात करें 174 पोस्ट थी यहाँ पे और 162 ही फिलअप हो पाई थी। शिमला में 115 में से 93, सिरमौर में 52 में से 46, सोलन में 63 में से 56, ऊना में 69 में से 61। और देखिए कुल 933 निकाले गए कैंडिडेट पोस्टें थी, ठीक है, और उसमें से देखिए आप लोग यहाँ पे 836 दी गई थी, इसमें सेटलमेंट की पोस्टें अलग से थी। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कितने पढ़े लिखे लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया था, PhD, MPhil, MSc, MTech, MBA, उच्च स्तर के जो डिग्री धारक थे उन्होंने भी यहाँ पे एप्लीकेशंस लगाई थी। और देखिए 3.04 लाख के आसपास कैंडिडेट्स यहाँ पे गए थे। और देखिए 1081 अभ्यर्थी ही पास हो सके। स्थानीय राजस्व पटवारियों के और 17 पद बंदोबस्त विभाग में रिक्त रह गए थे। देखिए स्टूडेंट्स जब आपकी मेरिट बनती है तो उसमें तो सारी पोस्टें भरनी चाहिए थी, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ पोस्टें डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रिजर्व रहती है, जैसे फ्रीडम फाइटर्स रह गए, उसमें भी डिफरेंट तरह की सब कैटेगरीज आगे होती है तो उसकी पोस्टें वैकेंट रह जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर पुनः उसको रिजल्ट की एक और लिस्ट निकाली गई है। आज के समाचार पत्रों की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आरक्षित श्रेणी के पास 90 अभ्यर्थियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई, ठीक है। इसको भी अब इसमें से माइनस कर दिया जाए तो करीब 24 पदों के लिए अभी भर्ती अभी नहीं मिले पटवारी। मतलब इसका ये हुआ कि 24 ऐसी पोस्टें सरकार के द्वारा रखी गई है जो कि विभिन्न तरह की कैटेगरीज के लिए रिजर्व होगी, लेकिन वहाँ पे उनको उचित कैंडिडेट नहीं मिल पाए। तो स्टूडेंट्स ये सारी जानकारी थी आपको, हमको से आपने रिवाइज जो उनका फिर से रिजल्ट आया हुआ है 90 कैंडिडेट्स जिसमें क्वालिफाई करके बताया जा रहे हैं उसको में आप अपना रोल नंबर चेक कर लें। बाकी ये केस आपका भी कोर्ट में भी विचाराधीन है, आगे क्या होगा उसके लिए आपको कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग निरंतर अपनी स्टडी करते रहे, हमारी वेबसाइट elitestudyco.in पे विभिन्न तरह की अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, इसका आप लोग लाभ उठाते रहें। और हर रोज़ सुबह 7 बजे हमारी टीम आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो उपलब्ध करवाती है, उसे भी आप नियमित रूप से सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elitestudy यूट्यूब चैनल।